हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड पोर्ट। आज हम बनाने वाले हैं एक यूनिक फ्यूजन डिश, तंदूरी चिकन विद ज़ाफ़रानी राइस। तंदूरी चिकन हम विदाउट ओवन बनाएंगे। सिर्फ तंदूरी चिकन तो सभी बनाते हैं, आप इसे एक अरबिक टच दे सकते हैं ज़ाफ़रानी राइस बनाकर। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। इसके साथ हम थोड़ा ज़लाता यानी सालसा भी बनाएंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आ रहे हों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। सैटिस्फाई योर क्रेविंग्स विद आवर रेसिपीज। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 चिकन होल लेग्स लिए हैं, जिसको मैंने ऐसे डीप कट्स कर लिए हैं। अब हम इसका मसाला बना लेते हैं, जिसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून कर्ड। यहाँ मैंने हंग कर्ड का इस्तेमाल किया है। फिर मैं डालूंगी अदरक लहसुन 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार 2 टीस्पून, लाल मिर्च आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, तंदूरी चिकन मसाला 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, हरी मिर्ची पेस्ट, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, लेमन जूस आधा लेमन जूस मैंने इस्तेमाल किया है, रंग 2 पिंच मैंने इस्तेमाल किया है। लास्ट में मैं डालूंगी सरसों का तेल 1 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मसाले को हमें अच्छे से चिकन पर रब करना है ताकि हमारा मसाला चिकन के अंदर तक चला जाए। कट्स में भी अच्छा सा मसाला लगा दें। हमें इसे मसाला लगाकर लगभग 3 से 4 घंटों के लिए मैरिनेट होने रख देना है। मैंने सारे चिकन पीसेस को इसी तरह से मैरिनेट कर लिया था। देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसका बेसिक रूल यही है कि आप जितनी देर इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। चलिए इसे हम छोड़ देते हैं। जब तक ये चिकन मैरिनेट होता है हम ज़ाफ़रानी राइस बना लेते हैं। ज़ाफ़रानी राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 5 से 6 टेबलस्पून तेल। ज़ाफ़रानी राइस को पर्शियन राइस भी कहते हैं। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम डालेंगे 6 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची, 2 बड़े तेज पत्ता, 3 इंच के करीब दालचीनी का पट्टा, आधा टीस्पून शाहज़ीरा। इन सब को अच्छे से सॉटे कर लें जब तक थोड़ी सी खुशबू ना आ जाए। फिर मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन, 5 से 6 कलियां मैंने इस्तेमाल की है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ध्यान रहे कि ये जले ना। फिर हम डालेंगे ज़ाफ़रान का पानी। मैंने यहाँ पे 8 ज़ाफ़रान इस्तेमाल किए हैं, जिसको मैंने गर्म पानी में सोख कर लिया था। नेक्स्ट हम डालेंगे 2 क्यूब्स चिकन स्टॉक। अगर आपके पास ना हो तो आप घर में चिकन स्टॉक बना कर डालें। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चिकन क्यूब्स डिसॉल्व हो जाएं। फिर हम डालेंगे बासमती चावल। यहाँ मैंने 1/2 किलो बासमती चावल इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि सारे फ्लेवर्स इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएं। अब हम डालेंगे पानी। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो बासमती चावल लिया था, इसीलिए इसका डबल पानी हमें लेना है। अच्छे से मिक्स कर लें। लास्ट में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा चावल का। मिक्स कर लें और ढांक कर इसे लो फ्लेम पर पकाएं। बीच बीच में थोड़ा मिक्स करते रहें ताकि जले ना।
देखिए चावल अच्छे से बन गया है। कितने खुले से चावल बने हैं, इसका रंग भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस डिश को थोड़ा सा नटी फ्लेवर और थोड़ा सा रिच बनाने के लिए मैं यहाँ 1 टेबलस्पून घी में थोड़ा सा बादाम और थोड़े से किशमिश को फ्राई कर लूँगी। बादाम और किशमिश की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। जब ऐसे थोड़ा सा हल्का कलर आने लगे तो इसे निकाल लीजिए। किशमिश को भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। चलिए अब हम सालसा बनाते हैं। यहाँ मैंने ब्लेंडर में 2 रफली चॉप टमाटर लिए हैं, जिसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीने का पेस्ट, आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं, लहसुन 3 कली, नमक स्वाद अनुसार। बिना पानी डाले इसे ग्राइंड कर लें, बस इतना सा ही और सालसा बनकर तैयार है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह सी होनी चाहिए, कोर्सली। चलिए तंदूरी चिकन को बना लेते हैं। हमें यहाँ फ्लैट तवा लेना है, जिसमें मैं डालूँगी तेल 5 टेबलस्पून। थोड़े से ही तेल में इसे बनाना है। तेल थोड़ा गर्म होने पर चिकन पीसेस को इस तरह से रख लें। लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। इन्हें हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो चिकन मसाला छोड़ देगा। इसी तरह से 10 मिनट तक आपको इसे फ्राई कर लेना है। दस मिनट हो गए हैं, अब हम चिकन को पलटा लेंगे और दूसरी साइड भी 10 मिनट फ्राई होने रख देंगे। देखिए विदाउट ओवन या कोयले के भी तंदूरी चिकन पर कितना अच्छा चाट कोटिंग आई है। ध्यान रहे कि आप इसे लो फ्लेम पर ही बनाएं, तभी इसका कलर ऐसा आएगा। देखिए दूसरी साइड भी अच्छे से हो गया है। अब हमें इसे एवरी 5 मिनट्स पलटते जाना है। तंदूरी चिकन बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। नेक्स्ट हमें कोयला स्टफ पर रख देंगे और इसी पर तंदूरी चिकन को थोड़ा सा और भून लेंगे। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट साइड के एरियाज में बिल्कुल नहीं होता है, तो इसकी मदद से आप इसको अच्छे से भून ले सकते हैं। देखिए साइड्स में भी अच्छा हो गया है। इसी तरह से मैंने सारे चिकन को भून लिया था। देखिए ये हो गया है, तंदूरी चिकन बन गया है। अब लास्ट में हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। जलते हुए कोयले में 1 टीस्पून घी या तेल डाल दें और 5 मिनट के लिए कवर कर कर रख दें, ताकि स्मोक तंदूरी चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए तंदूरी चिकन बनकर तैयार है। मैं भी इसे डिश आउट कर लेती हूँ। मज़ेदार तंदूरी चिकन विद ज़ाफ़रानी राइस बनकर तैयार है। ये
ये एक कंप्लीट मील है, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आप इसे बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।